फ्रेंड नमस्कार। अब मैं आपको मक्के के आटे के आलू पराठे ग्रीन जो लीव्स हैं उनके साथ मिक्स करके बताऊंगी। जैसे पुदीना और कोरिएंडर, ये मैंने लिया है 1.5 कप आटा इस कटोरी से, 1.5 कटोरी आटा है ये हमारा। ये हमारा कॉर्न का आटा है जो रोस्टेड है, इसलिए मैं इसे ठंडे पानी से गूंथूंगी, पर जो आप कच्चा डायरेक्ट पिसाएंगे उसे थोड़ा सा आप गर्म पानी से गूंथिएगा, नहीं तो रोटी फट जाएगी। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं नमक डालूंगी इसमें और ऐड करूंगी धनिया और पुदीना, मैंने जो थोड़ा काट रखा है। इसमें थोड़ी सी आप घी भी ऐड कर लीजिएगा, 1 छोटे चम्मच। मैं इसको थोड़े से घी से भी मोन कर दे रही हूँ। मैं इसे गूंथ लूंगी धीमे धीमे, पानी डालते हुए आप गूंथिएगा। ये हम ठंडा पानी यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो आटा है कॉर्न का ये थोड़ा सा रोस्टेड है, क्योंकि ये रोस्टेड रहता है तो काफी दिन तक खराब होते नहीं है, इसलिए ये रोस्टेड आटा है। ऐसे ही धीमे धीमे हम गूंथ लेंगे आटे को। 5 से 6 मिनट नीट करेंगे तो बहुत अच्छा आटा हो जाएगा। मैंने 4 मैश आलू लिया है और 1 मुट्ठी मैंने अंकुरित ली है, मेथी जिसे मैंने धुलकर अंकुरित कर दिया था 2 दिन, 1 दिन पानी में 10 घंटे, फिर उसके बाद निकालकर बाहर कर दी। और मैंने थोड़ी सी धनिया ले रखी कटिंग करके, हल्दी नमक मसाला सब चीजें। अब मैं डाल रही हूँ अपनी मेथी पहले तड़के में ताकि वो अच्छे से पक जाए। मैंने स्प्राउटेड मेथी इसमें डाल दी है और इसे थोड़ा सा अच्छे से पका लूंगी 1 से 2 मिनट, पूरा पक जाए तब मैं ऐड करूंगी इसमें आलू। मैंने स्प्राउटेड मेथी इसमें डाल दी है और इसे थोड़ा सा अच्छे से पका लूंगी 1 से 2 मिनट, पूरा पक जाए तब मैं ऐड करूंगी इसमें आलू। मैंने आलू डाल दिया है और मेथी हमारी तैयार हो गई। मैंने इसमें मूंगफली कचौड़ी मसाला भी ऐड कर दिया है और हमारा मसाला तैयार हो गया है। मैं इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड करूंगी और थोड़ा एक्स्ट्रा नमक और थोड़ी सी तीखापन बढ़ाने के लिए हम मिर्च के टुकड़े डाल देंगे, जितना आप तीखा खाते हो। अब हम रख देंगे अपने भरावन को या स्टफिंग को ठंडा होने के लिए। आटे को गूंथ कर रेस्ट करा दिया मैंने और इसे जो भरना था उसे मैंने अपने भरावन को, एकदम ठंडा हो गया। इसे मैं टुकड़ों में बांट ली। देखिए इसके अंदर से स्प्राउट्स दिख रहे हैं पूरी अच्छी तरह से। ये इसलिए मैंने थोड़ा सा फ्राई कर दिया था ताकि इसकी कड़वाहट थोड़ी कम हो जाए। जाड़े के दिनों में आपको कॉर्न के पराठे मीन्स मक्के के पराठे देशी घी में बने हुए बहुत ही टेस्टी लगते हैं और मेथी शरीर को काफ़ी गर्म करती है और डाइजेशन के लिए भी बेटर है। और ये आप शुगर पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं और इन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है मेथी, अंकुरित मेथी का यूज़ करना। और
इसमें अगर मूंगफली के पाउडर ना डालें तो मैंने चना मिक्स और उड़द मिक्स, मूंग मिक्स, आपको कचौड़ी के बताए हैं सब चीज़ें में से कुछ भी आप डाल सकते हैं। देखिए मैंने इसे ऐसे किया, पहले बना लिया, फिर अब इसे डालूंगी अंदर ऐसे दबाते हुए धीमे धीमे। आप कर लीजिए, ये देखिए बन गए हमारे राउंड। क्योंकि मैंने आलू में डाले थे तो मूंगफली के पाउडर या चने के पाउडर ये मॉइस्चर को आलू का खींच लेता और हमारे पराठे को चिपकने और फटने नहीं देगा और भरने में इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने आलू के पराठे में मूंगफली का डाला था। आप चाहें तो भुना बेसन डाल दीजिए और मैं बेलूंगी तब ऊपर से इस धनिया को लगाऊंगी। अब मैं बेलना स्टार्ट करूंगी। अब मैं इसको राउंड शेप दूंगी हाथ से, आप ऐसे करते हुए हल्का सा राउंड शेप दे दीजिए। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी इसे बेलना। मैंने पैन को रख दिया है, बहुत सावधानी से बेलिएगा क्योंकि ये मक्के का आटा है। और ध्यान से धीमे धीमे बेलिए क्योंकि अंदर आलू भी स्टफ है और ये पूरा मक्का ही का आटा है, इसलिए ये हमारे पराठे बेल गए। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी अपनी हरी धनिया और इसे मैं हल्के हाथों से इस पे रब कर दूंगी। देखिए ये हमारी धनिया लग गई। आप चाहें तो इस पे देसी टमाटर है या कैप्सिकम है, कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसे धीमे से उठाएंगे और तवे पे डाल देंगे। बड़ी सावधानी से उठाइएगा, मैंने इसे तवे पे डाल दिया। हमारा पराठा तवा पर सिक रहा है, तवा गर्म हो चुका है, मैंने पराठे तवे पे डाल दिया है। इसी तरह हम बाकी पराठे भी धीमी धीमी आंच में सेक लेंगे। पराठा थोड़ा एक तरफ से सिक जाए तब आप पहले थोड़ी आंच तेज रखिए, बाद में आंच को स्लो करके लाल होने तक पराठा हल्का गुलाबी तब तक सेकिए। आप, मैं देशी घी का यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो इस पे रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हैं। जाड़े में ये पराठा बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी होगा, ये आपको ठंड से भी बचाएगा और शरीर को काफी एनर्जी देगा। आप मक्के का हेल्दी पराठा बनाइए स्प्राउट्स मेथी वाले, और मैंने तवे पे मक्के का पराठा डाल दिया था, अब गर्म हो गया है। एक तरफ मैं पलटूंगी, देखिए मैं घी लगा दूं। ऐसे ही हम दोनों तरफ घी लगाकर अच्छे से सेकेंगे और इसे आंच अब हम सिम कर दे रहे हैं। देखिए सिम करते हुए हम इसे धीमे धीमे पकाएंगे क्योंकि मक्के का आटा है, थोड़ा पकने में समय लेगा। मेरा पराठा सिक रहा है, अब ये सिकने वाला हो गया, 5-6 मिनट ले लेंगे एक पराठे बनने में। मैंने दूसरे पराठे को बेला है तो उसके ऊपर थोड़ी सी देखिए स्प्राउट लगा दिया है मैंने, ये देखिए स्प्राउट्स है, और इस पे हरी धनिया की पत्ती भी लगा दी है। अब ये हमारा पराठा तैयार हो गया है, मैं इसे उतारूंगी और अपने दूसरे पराठे को डालूंगी बनने के लिए। हमारे पराठे सिक कर तैयार हो गए, अब मैं इन पराठों को उतार लूंगी। एकदम क्रिस्पी है और मैं इसे
सर्व कर दूंगी। हमारे मक्के के पराठे जिसमें अंकुरित मेथी और आलू भरा हुआ है खाने के लिए तैयार है। आप इसे बनाइए और अपनी ठंडी को एंजॉय कीजिए। ये बहुत ही हेल्दी पराठा है। जो अंकुरित मेथी है वो ठंडे से हमें बचाएगी और गर्मी प्रदान करेगी और ये डाइजेशन में भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपको हमारे अंकुरित मेथी आलू मक्के के पराठे पसंद आए हों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी। थैंक यू।